नहीं खुलेगा, थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाए। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इंस्ट्रक्शन आया है कल देर रात को, उसको लेके आज हम लोगों की कैबिनेट सेक्रेटरीज के साथ बैठक भी थी। उसमें ये निर्णय हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है वो गाइडलाइन है, छूट वो नहीं देते हैं, वो सिर्फ हमें सजेशंस देते, गाइडलाइंस देते, जिसके आधार पर जिले की परिस्थिति को देखते हुए जो है छूट प्रदान करते हैं। आप सब अच्छे से विदित हैं कि मुरैना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लासिफिकेशन में हॉटस्पॉट है, तो हम लोग अभी भी रेड जोन में आ रहे हैं। यद्यपि उसके बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोगों ने ये अभी निर्णय लिया है और ये छूट प्रदान कर रहे हैं कि जो हमारे 6 वार्ड है जो कंटेनमेंट जोन और बफर में है, उन 6 वार्डों को छोड़कर शेष नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के राशन की दुकानें, मेडिकल की दुकानें और जो शेष बची हुई पेट्रोल पंप्स थी जो बंद थी, इन्हीं को कल से जो है खोला जाएगा। तहसीलों में क्या स्थिति है? तहसीलों में जो तहसीलों में तो पहले भी पाबंदी नहीं थी, वहाँ पे बाजार खुली रहा था, टाइमिंग्स जो है वो हमारे SDMs या इंसिडेंट कमांडर्स रेगुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं है और वो पहले से ही नॉर्मल सी में चल ही रहे थे। दिक्कत या ज़्यादा पाबंदियाँ मुरैना शहर में थी क्योंकि यहीं पे जो है हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स थे, इसीलिए वो 6 वार्ड जो हमारा कंटेनमेंट जोन और बफर है उसको छोड़ते हुए बाकी सभी वार्डों में अभी जितने भी प्रकार के किराना दुकान हैं वो खुलेंगे। पुनः बता दे रही हूँ, मेडिकल दुकानें चाहे वो आयुष हो, होम्योपैथी हो या अन्य प्राइवेट मेडिकल शॉप्स हो, वो भी खुलेंगे। इससे पहले चुनिंदा मेडिकल दुकानें खुली हुई थी और चुनिंदा जो है राशन की दुकानें खुली हुई थी, तो ये सब खुलेंगी और इनकी टाइमिंग्स जो है सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे रहेगा। रिमेनिंग जो पेट्रोल पंप्स हैं जो आउटर एरिया में है या अभी बंद करके रखे गए थे, उनको भी अभी हम परमिशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है और विभागीय काम भी शुरू हो रहा है जिसके तहत जो है मोबिलिटी सपोर्ट के तहत आवश्यकता है, तो रिमेनिंग पेट्रोल पंप्स को भी खोला जाए।